आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीपी फंक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, परमिशन दे दीजिए। फंक्शंस की तीन कैटेगरी है। पहला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दूसरा है कस्टमाइजेशन, और तीसरा है वीवीपी के खुद के फंक्शंस। तो हम वीवीपी खुद के फंक्शंस पे डिस्कस कर रहे हैं, और खुद के फंक्शंस जो है वो वीवीए के भी है, एक्सेल के भी है, तो उसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एक वेबसाइट एक ऑन द नेट की है, इसमें लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दिए हुए हैं। वेबसाइट मेरा नहीं है, किसी और का है, बट लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसमें जो चूज का फंक्शन है, चलिए इसको जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चूज का फंक्शन एक्सेल के लिए भी होता है और वीवीए के लिए भी होता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास मंथ जो है नंबर्स में, मंथ किस में है, नंबर्स में, और मुझे इसको, और एक पास वीक भी है, वीक नंबर्स में, लेकिन मुझे इसको करेक्टर में चाहिए, मतलब कि वन के जगह पे मुझे यहाँ पे जैन चाहिए और यहाँ पे मंडे चाहिए, समझे? यस सर। तो अब यहाँ पे आपके सामने मंथ नेम जो है, इसके लिए अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली चूज का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि चूज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल तरीका बता रहा हूं यहाँ पे। मार्च इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से आप इसको लगाएंगे, ठीक है, या फिर कभी लगाया होगा। तो ये क्या होगा कि वन देगा तो जैन हो जाएगा, टू अगर इसमें आया तो फैब हो जाएगा, थ्री आया तो मार्च हो जाएगा। ऐसे आप मार्च के बाद यहां पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी दे सकते हैं। तो चूज का काम क्या है कि एक इनपुट लेता है और उस इनपुट के नंबर के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देता है। यहां पे वन टू थ्री फोर ही होना चाहिए, ठीक है। मैम आपको, लेकिन इसका कोई और शॉर्ट तरीका है आपके पास, अगर मंथ नेम निकालना है तो? देखिए मैं तो वीवी में मैंने ई मंथ से निकाल के फिर मंथ को मंथ से अलग कर लिया। यहाँ पे देखिए 2020, सुनिए 2020 हम यहाँ पे डालेंगे मंथ में इसको और डे में डालेंगे वन, डेट आ गया, फिर इसको डालेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट हाँ डालेंगे MMM, क्या करेक्ट, क्या हाँ यस। ऐसे आप वीक में, देखिए वीक के लिए कोई नहीं है शॉर्टकट, वीक में चूज ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वीक अलग हो सकते हैं ना, संडे मंडे अलग हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि एक तारीख को, एक जनवरी को मंडे ही हो। बिल्कुल। तो अब जैसे कि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें इससे पहले जो फॉर्मूला बताया, यहाँ भी बताया फॉर्मूला ना सर, ये फॉर्मूला बताया या चूज का फॉर्मूला बताया, तो ये फॉर्मूला चलिए आप लगा लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला किसी और को देना है बना के तो मुश्किल है लगाना ना सर। आप ये क्या कि आपने वीवीए के जरिए आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में आपने दिया MN, मतलब कि मंथ नेम, और आपने बोला कि N एज ए इंटीजर डाल दिया। अब यहां पे MN इक्वल टू, यहां पे सिंपल हमारे पास मंथ नेम भी आता है, मंथ नेम का फॉर्मूला आप लिस्ट में देखेंगे तो मंथ नेम का भी फॉर्मूला है यहाँ पे नीचे, डेट एंड टाइम की कैटेगरी, ओके, मंथ नेम और वीक नेम भी है, राइट, मंथ नेम, और यहाँ पे हमने कर दिया एन एन कॉमा ट्रू, ट्रू मतलब कि शॉर्ट में चाहिए। अब थर्ड पर्सन क्या करेगा, थर्ड पर्सन इसमें जस्ट मंथ नेम यूज करेगा MN, और इसको सिलेक्ट करेगा और ओके सिंपल है। हाँ सर, तो वीवीए फॉर्मूला का यूज होता है इसीलिए ताकि सिंपल, वीक डे की बात करें तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एन कर देता हूँ डब्ल्यू एन, और एन एच ए हम दे देते हैं यहाँ पे इंटीजर, ओके सर, ओके, और यहाँ पे हम देते हैं डब्ल्यू एन, इसको सेलेक्ट कर देते
यहाँ पे कोई कैलकुलेशन तो की नहीं है, तो मुझे यहाँ पे करना है डब्ल्यू एन इक्वल टू यहाँ पे वीक। एक सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं एक्सपेक्ट वीक देने हो ना, वीक देने यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे एन और कॉमा ट्रू, ट्रू मतलब कि शॉर्ट में, वो फॉल्स करोगे तो फुल आएगा। ये देखिए आपका वीक देने आ गया मंडे। अब यहाँ पर मुझे एक पे मंडे चाहिए था, चाहिए था, दो पे मंडे क्यों आया, तो यहाँ पे ट्रू हुआ, इसके बाद यहाँ पे कॉमा हमने बना के आपका वीक कब से स्टार्ट होता है, तो वीक मंडे से स्टार्ट। आपके सामने मंडे टू मिनिस्टर आ गया। अब इसमें दो सवाल उठ के आता है, पहला सवाल जो आप लोगों ने नहीं पूछा कि हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था तो उसमें तीन स्टेप बताए थे। पहला स्टेप था आपका डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करना, दूसरा था कैलकुलेशन और तीसरा था असाइनमेंट। पर सर यहाँ पे तो आप खुद ही फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं ना उसके ऊपर, तो फिर यहाँ पे यही बता रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ कि अभी क्या है कि हमारे पास सिंगल लाइन कैलकुलेशन क्या है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकता था, हम इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते थे कि dim r as a string wn के यहाँ पे wn के जगह पे r, और यहाँ पे हम कर देंगे कि wn equal to r equal to r right? लेकिन क्या है कि हमारा सिंगल लाइन कैलकुलेशन है और wn जो आपको दिख रहा है ये भी एक तरह का वेरिएबल है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि मान लीजिए कि आगे चल के इसी r को और कैलकुलेट करना है, इसे मान लीजिए कि इसमें आपको कुछ और भी लगाना है, डेट बनाना है, कुछ और बनाना है, तो दिक्कत होगी। आपके पास सिंगल लाइन कैलकुलेशन है मतलब कि आप एक ही लाइन में रिजल्ट को अप्लाई कर देना है, उस रिजल्ट को आगे कुछ नहीं करना है। इससे पहले आपने देखा था कि जो हम रिजल्ट स्टोर करते थे उसमें हम बार बार स्टोर कर देते थे, काउंटर की तरफ से प्लस कर देते थे, बार बार काउंट कर देते थे या कंबाइन कर देते थे, लेफ्ट राइट की जगह पे नीचे यूज कर देते थे, तो वहां पे हम डायरेक्ट डब्ल्यू एन का नाम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ हो सकता है, क्लियर? चीज है कि हम तो पढ़ रहे थे चूज, चूज पढ़ रहे थे ना, तो फिर एक ही बता दिया, तो हमने आपको समझाया इसी तरह से कि यहाँ पे चूज जो हमने एक्सेल में लगाया है चूज, ऐसा ही चूज हम वीवी में लगा सकते हैं। तो एक जो एग्जांपल दिया हमारे पास वीक डे और मंथ डे में है ना, अगर मान लीजिए कि सिटी कोड होगा उसके जगह तुम्हें सिटी चाहिए, और हमारा सिक्वेंसली है कि वन आया तो दिल्ली, टू आया तो नोएडा, थ्री आया तो फरीदाबाद, फोर आया तो गुड़गांव, एक सिक्वेंस लिस्ट है हमारे पास, तो हम भी okay. नहीं लगाना चाहते, हम चाहते कि जो भी हमारे पास आठ दस सिटी के नेम है वो मैं अंदर ही लग देता हूँ, पे इसको स्टोर रखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे हमें चूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे हमने दे दिया सिटी और यहाँ पे हमने कर दिया एन एज ए इंटीजर, राइट? समझे? हाँ सर। और यहां पे हम करेंगे सिटी इक्वल टू चूज, हमारा एन एज ए इंटीजर हो जाएगा और फिर कॉमा में। अब यहां पे दिख रहा है आपको परम एरे चॉइस दिख रहा है, परम एरे, परम एरे के बारे में जानी क्या होता है। देखिए जब हम अब जैसे कि यहाँ पे हम वन बाय यहाँ पे जो है हम वन बाय वन भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि टू में, अब यहाँ पे देखिए दिक्कत हो रही है ना,
लग रहा है ना। अब चूज को एक बार यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको A1, B1, C1 कॉमा कॉमा दिया गया है ना, तो ये एक्सेल का। अब VBA फंक्शन की बात करें तो चूज इसमें मैंने कर दिया यहाँ पे पुणे कॉमा, हमने यहाँ पे दे दिया हमने से यहाँ पे दे दिया दिल्ली, दिल्ली देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैं सिटी लगाता हूँ कॉमा, आ गया, आ गया, आ गया। तो परम एरे के मतलब होता है कि इसका कोई रेंज में नहीं है, मतलब कि इसका कोई आपका क्या बोलते हैं उसको एंड नहीं है। परम एरे के मतलब यही हुआ कि कोई इसका एंड नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ करना चाहते हैं कि सिटी लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ, मैं चाहता हूं कि इसी के सीक्वेंस को ले, क्या करें इसी सीक्वेंस को ले, बात समझे। तो अब मैं यहां फंक्शंस के अंदर में कॉमा और यहां पे हम आर सर उसमें परम एरे जब डाल रहे हैं ना तो उसमें दिखा रहा था कि एक ही डाल सकते हैं, अलग से जो एनएस इंटीजर लिए हैं वो नहीं डाल सकते। मैं बताता हूं आपको, इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं ना, यहां पे ए एज अ रेंज, ठीक है ना, और यहां पे हम कर देंगे एन रेंज भी हम ले लेते हैं। इस तरह से अगर प्रॉब्लम हुआ तो एन एन दो आ गया ना, इसमें हम कर देते आर और यहां तुरंत फार्मूला लगाएंगे और यहां पे हम इसको ले लेंगे।
एग्जांपल जैसे ये सही एग्जांपल नहीं है, मुझे इसके लिए एक सही एग्जांपल बनाना पड़ेगा, एक मिनट दीजिए, एक सही एग्जांपल सोचता हूँ। सर सब्स्टिट्यूट पे दिखाइए ना। यहाँ पे ये होगा कैसे होगा दिखा, मैं आपको कल समझाता हूँ पढ़ा मैडे को, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत दिन से यूज नहीं किया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमेशा एक लूप के साथ ही सारा फिर भी बैठा है क्योंकि हमेशा एक लूप के साथ यूज होता है। इसमें आपको लूप लगाना पड़ता है, प्रथम एरे जो आ गया उसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड का हमेशा लूप लगता है। हाँ ठीक है सर, फिर कल करते हैं। एक बार मैं एक बार इसको समझ जाता हूँ अच्छे तरीके से, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ सर, और मुझे प्लीज लूप में स्टेप वन स्टेप टू वो कैसे यूज हुआ था या फिर जो भी इजी वे है समझा दीजिएगा। तो मैं समझा रहा हूँ, एग्जांपल लेना पड़ेगा थोड़ा सा जिससे आपको आसानी से समझ जाए। बट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इसका जो यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग इसके अगर मान लो आपको रेंज देना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर एज रेंज, राइट, एज ए रेंज दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चूज का फॉर्मूला हमने दिया, यहाँ पर चूज का फॉर्मूला नहीं देंगे, राइट, तो यहाँ क्या फॉर्मूला देंगे,
यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी इक्वल टू आर डॉट ऑफसेट, हमने बोल दिया एन कॉमा जीरो। सर वहां पे एक टू वैल्यू टू बोल के ऑप्शन आता है, वो कहां पे यूज होता है, उसका मतलब क्या है, वैल्यू और वैल्यू टू में डिफरेंस क्या है? हेलो सर आपका आवाज मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तो कहां पे आता है वैल्यू और वैल्यू टू? जैसे डॉट वैल्यू करते हैं ना तो नीचे वैल्यू टू, या फिर ऐड करते हैं तो ऐड टू, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अच्छा इस तरह से लिखा है, यहाँ पे लूप यहाँ पे इस तरह से करना होगा dim r as a range, r तो है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे k करता हूँ, k as a range, और यहाँ पे लूप लगेगा कि फोर इच k in r, यहाँ पे सिटी इक्वल टू ए डॉट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हम लिखते हैं आर इक्वल टू आर आर नहीं, यहाँ पे सी काउंटर सी इक्वल टू सी प्लस वन, राइट? और इफ कंडीशन देंगे कि इफ इक्वल टू एन देन इक्वल टू के डॉट वैल्यू, और यहाँ पे एग्जिट फंक्शन हमें मिल गया तो हम वापस चलते हैं, ये निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे दिल्ली आ गया, तीसरा करता हूँ तो नोएडा, चौथा करता हूँ तो पटना, ठीक है ना सर? हाँ सर। रेंज का भी यूज हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें रेंज देते हैं, जब मल्टीपल यूज होता है तो उसमें हम रेंज देते हैं, बट पढ़ा मेरे की बात तो मैं कल इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको पढ़ा मेरे। ठीक है सर। इस बात जी कोई दिक्कत है, कोई और क्वेश्चन? सर हाँ सर, ये जो आपने लिया है ना फॉर ईच, एक बार हाँ, इसमें अपने फॉर इच के इन आर जो लिया है, तो ये डिक्लेयर जब करते ना सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, हाँ बता दूं आपको हमने क्या किया कि हमने बोला एन एज इंटीजर आर एज ए रेंज, मतलब एक रेंज देगा, फिर हमने रेंज मिला है मुझे तो मैं फोर इच ही लगाऊंगा, अब फोर इच के लिए एक और रेंज ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बात समझे? ओके हमने लिखा है फोर इच के इन आर। सर मेरा डाउट ये था, हाँ सर मैं समझ गया, मुझे ये पूछना था, हाँ सर मेरा डाउट ये था कि ये जो c इज इक्वल टू c प्लस वन है ना, ये इफ c इज इक्वल टू n के बाद लिख सकते हैं क्या? नहीं, हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि भाई हमें उतना ही रो चाहिए कि जितना कितना रो चाहिए जितना हमने n मतलब नंबर डाला हुआ, तो हम कितना बार चल चुके हैं ये यहाँ पे डिपेंड होता है कि सी जो फर्स्ट टाइम तो सी जीरो होगा, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, फिर चेक करेगा क्या सी इक्वल टू वन है, अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ये तो इफ कंडीशन के अंदर में आ जाएगा, और दूसरा इसको के बाद वो ऐड करेगा। ओके 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 समझ गया, स्टार्ट हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। हाँ सर, ओके बाय, थैंक यू, बाय।